चले बढ़ते आगे। नोएडा से बड़ी खबर का रुख करेंगे, जो अंतर्राष्ट्रीय कॉल सेंटर का भंडाफोड़ किया गया। दरअसल 46 युवक और 38 युवतियां गिरफ्तार की गई है। 150 कंप्यूटर और 20 लाख नकदी बरामद इस दौरान की गई है। आपको बता दें कि गिफ्ट कार्ड क्रिप्टो करेंसी से लेते थे पैसे, और थाना फेस वन पुलिस ने गिरफ्तारी की है। तो उस वक्त की बड़ी खबर नोएडा से, जहां गिरफ्तारी की गई है, 38 युवतियां भी इसमें शामिल है, गिरफ्तारी जिनकी की गई है, और 150 कंप्यूटर के साथ साथ तमाम चीजें बरामद की गई है। तो एक बड़ी कामयाबी पुलिस को मिली है, थाना फेस वन की पुलिस को, जहां पर अंतर्राष्ट्रीय कॉल सेंटर का भंडाफोड़ करते हुए पुलिस नजर आई है नोएडा में। और इस दौरान 46 युवक और 38 युवतियां गिरफ्तार की गई हैं, जिनसे पूछताछ लगातार की जा रही है, उनके नेटवर्क के बारे में जानकारी ली जा रही है। 150 कंप्यूटर और 20 लाख की नकदी बरामद की गई है। गिफ्ट कार्ड और क्रिप्टो करेंसी से ये लोग पैसे लेते थे, जिसकी जानकारी पुलिस को लगी, और उसके बाद पुलिस एक्शन मोड में नजर आई, और फिर ये बड़ी कार्रवाई, एक बड़ा पर्दाफाश पुलिस करती हुई नजर आई, जहां पर 46 युवक और 38 युवतियां गिरफ्तार की गई हैं। अंतर्राष्ट्रीय कॉल सेंटर का भंडाफोड़ पुलिस ने किया है। तो ये बड़ी कार्रवाई के तौर पर माना जा रहा है। नोएडा में कॉल सेंटर का पर्दाफाश हुआ है, 46 युवक और 38 युवतियों को इस दौरान गिरफ्तार किया गया है। फर्जी कॉल सेंटर का ये पर्दाफाश हुआ है। इसी खबर पर जानकारी के लिए हमारे साथ संवाददाता अमित जुड़ गए लाइव। अमित, क्या जानकारी है, देखिए किस तरीके से पुलिस को इसकी सूचना मिली जिसके बाद गिरफ्तारी हुई है। देखिए, ये कॉल सेंटर पिछले काफी दिनों से संचालन किया जा रहा था, और 2 महीने पहले इन लोगों ने सेक्टर 6 जो नोएडा का है, वहां पर एक कंपनी किराए पर ली और वहां से इस कॉल सेंटर का संचालन किया जा रहा था। 24 घंटे कॉल सेंटर चलाया जाता था, और अभी तक की पुलिस की पूछताछ में जो निकल कर आया है, ये लोग विदेशी लोगों को ठगा करते थे, उनके बैंक अकाउंट सीज होने का झांसा दिया करते थे, उसके अलावा ईमेल आईडी हैक कर लिया करते थे। इस तरीके से पिछले काफी दिनों से लगातार विदेशों के लोग, विदेश में रहने वाले लोगों को निशाना बना रहे थे। 80 से ज्यादा महिला और पुरुष को गिरफ्तार किया गया, इनके पास से 20 लाख रुपए के आसपास का कैश भी बरामद हुआ है। पुलिस अधिकारी आज नोएडा पुलिस कमिश्नर लक्ष्मी सिंह खुद इस प्रेस कॉन्फ्रेंस को करेंगी 3 बजे के आसपास, और इनके जिन बैंक खातों में वो पैसा लिया जाता था, उन बैंक खातों के बारे में भी पुलिस जानकारी जुटा रही है कि इनके बैंक खातों में कुल कितना पैसा आया है। एक जानकारी पूछताछ में ये भी निकल कर आई है कि क्रिप्टो करेंसी के माध्यम से ये लोग पूरा जो पैसा है वो विदेशों से लिया करते थे, और उस पैसे को बाद में भारत में लेकर आया करते थे। तो इनके और कहां तार जुड़े हुए, तमाम पहलुओं को लेकर पुलिस पूछताछ कर रही है। अभी सभी लोगों से पूछताछ की जा रही है, और 3 बजे पुलिस कमिश्नर लक्ष्मी सिंह इस पूरे मामले का खुलासा करते हुए आज प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगी। ठीक है अमित, बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए। और खबरों में आगे बढ़ेंगे, फरुखाबाद से खबर, जहां पुलिस को